आज अनवी और अर्णव जो हैं वो बना रहे हैं कैरेमल पुडिंग। तो उसकी रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं। ले लिया है पैन, अब देखो। और ये देखो बीच में इन इसको छोटे को चुप किया है, तो ये आइए बीच में। चलो 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 स्टार्ट करो। तो ये डाल दी है अनवी ने इसमें चीनी 4 चम्मच 5 चम्मच। कितनी चम्मच डालेगी भाई, उतना ही कैरेमल बहुत है। चलो अब चीनी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच वो चम्मच और ले ले, तो इसी में चम्मच जरूरी है क्या? अब क्या लेना है? एक कटोरी में पानी ले ले और इसमें, इस कटोरी में से फिर 1 चम्मच डाल दे। चलो डालो 1 चम्मच। बहुत है उतनी, 1 चम्मच विनेगर भी तो डालेगी। चलो 1 चम्मच विनेगर डाल, गिर गया तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच डालो उसमें, 1 ही चम्मच, 1 बस दे दे। लो कैरमलाइज करना स्टार्ट करो इसको। और वो दर्शक देखो कहाँ चढ़ गया है, वहां से देखे गए, क्योंकि ये छोटा पड़ जाता है इसको यहाँ से खड़ा होके दिखता नहीं है, छोटा बच्चा है ये। अच्छा उसके लिए ये हील्स अप करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो स्टार्ट करो इसको मेल्ट करना। तो ये कैरमलाइज हो गई और ये जलने लग गई, इसमें डाल इसमें डाल इसमें डाल। हो तो गई, ज्यादा हो गई, काली हो गई है। फट ना जाए मेरा ग्लास। तो ये सेम पैन में ले लिया हमने दूध, और अब इसमें जा रही है 2 चम्मच चीनी। दूध बिना वो करा है, मेजरमेंट नहीं है। 2 चम्मच बोली थी मैंने, कितने हो गए थे? और ज्यादा मीठा चाहिए क्या? वो भी तो है चीनी। अरे भाई वो उसमें कैरमल में कितना चीनी? अच्छा बस बस बस, अब वो डाल कैरमल पाउडर, डाल कैरमल पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, कैरमल पाउडर नहीं। लो तो डालो तो जल्दी भाई, इसके अंदर डाल और डाल और, तो वो जम जाना चाहिए ऐसे, तो फिर वो कस्टर्ड वैसे ही रहेगा। तू उस दूध में मत डाल देना, बड़े वाले में उड़ा रही, वो बन जाएगा। बस बस वो गरम होएगा तब बनेगा। बस 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 हो गया हो गया। तो गाइज हमारी ये जो रेसिपी था ना, ये तो बिग फेल हो गई, क्योंकि ये ना इतना कड़वा बनाना हमने टेस्ट करके देखा, हालांकि ये जम गई। देखो कैंडी तो बन गई पर ये जम गई, तो इसको तो हमने रख दिया सिंक में। अब यहाँ पे देखो पूरा फैलाना फैला के यहाँ पे चीनी वापस हम मेल्ट कर रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी टॉफी भी हमने डाल दी ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए। हमारी ये पुडिंग जो है यहाँ पे देखो तैयार है, लेकिन हमारी जो कैरेमल है वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा हो रहा था, इसलिए वापस बना रही हूँ मैं थोड़ी सी। तो ये कैरमलाइज फिर से हो गया है, अब इसको बिना जलाए हम डाल देंगे। देखो अब छोटी कटोरी ली है मैंने, तो कैरमल तो 2 कटोरियों में डाल दिया है मैंने। अब देखो ये वापस मैं इसको गर्म कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो के सेट होने की कंसिस्टेंसी में आ जाए, और अब इसको इसमें पोर कर दूंगी। कहीं पूरा इसमें नहीं आ गया, आ गया आ गया। ये लो, कितना यम्मी लग रहा है, देखते हैं कैसा बनता है, यम्मी बनता है कि ऐसे ही बनता है, क्या बनता है? योगर्ट फ्लेवर है, यम्मी तो बनेगा ही। अच्छा अच्छा, अब इसको सेट होने के लिए चलो। देखो सेट हो गई है उनकी कैरमल पुडिंग, चलो इनको फ्लिप करके देखते हैं। क्या क्या फ्लिप करके देख रहे हैं, हो रही है कि नहीं? ये फ्लिप एंड, और ये तो निकली नहीं, कैरमल तो निकला। तो ये चीनी तो यहाँ पे जम गई और ये ऐसा निकला है। तो भाई खाने में कैसी है ये बता, बनी तो ऐसी है, खा के बता। तो चीनी तो ले, वो थोड़ी सी तो है ही चीनी उस पे, खा। कैसी है दिखा, 1 चम्मच मेरे को भी दिखा, मेरे को भी चेक करवा कैसी है। मम्मी छुट्टियों पे ना यही बनाएंगे हम लोग। ओके बहुत मस्त है। तो दाल तो सही इसमें आ ही नहीं रही है।
देखते हैं। बनी तो बढ़िया है दीदी, बनी अच्छी है। बस वो कैरामल ही नहीं निकला इसमें से, ये चिपक गया है यहाँ पे, इसको भी निकालेंगे अभी।